चलो जी स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ब्राइडल मेकअप। जो आज का हमारा ब्राइडल मेकअप है वो बिल्कुल सॉफ्ट सेटल होने वाला है, उसमें बिल्कुल आई मेकअप भी न्यूड के साथ बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो सबसे पहले हमने आई मेकअप कर लेना है। फेस को क्लीन करने के बाद हमने आई मेकअप किया है। आई मेकअप करने के बाद हमने लाइनर लगाना है। लाइनर भी हमारा बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ लगना चाहिए। लाइनर हमने आई मैजिक का लगाया है जी। लाइनर का जो हमारा आउटर कॉर्नर है किसी स्मॉल ब्रश के साथ हमने उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद उसके बाद हमने फेस क्लीन किया है। फिर फेस क्लीन के बाद सीटीएम हमने पहले कर लिया था। सीटीएम करने के बाद अब हमने मॉइस्चराइजिंग की है। मॉइस्चराइजिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद हमने प्राइमर लगाया है। प्राइमर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जो डार्क एरियाज़ हैं उनको कवर करना। उसके लिए हमने ऑरेंज शेड लिया है और उससे हमने उसको कवर कर दिया है। ऑरेंज शेड लेने के बाद फिर हमने इनके स्किन टोन से एक टोन लाइटर फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया है। नेक नेक पे भी हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के फिर बाद आते हैं जी हम अपने कंसीलर की ओर। हमने टार्ट का कंसीलर लिया है, टार्ट का कंसीलर बहुत अच्छा है। फिर हमने उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। जो हमारे हाइलाइटर एरिया है उन पे हमने कंसीलर लगाया है। कंसीलर लगाने के बाद हमने उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी हमारी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा ही हमारा मेकअप होगा। ब्लेंडिंग करने के बाद अच्छे से जब हमारा बेस सेट हो जाएगा उसको ब्लेंडिंग करने के बाद हमने कॉम्पैक्ट लगाना है। कॉम्पैक्ट से उसको सेट कर देना है। ये हमने कर दिया जी। कॉम्पैक्ट से हम अपने बेस को लॉक लॉक करने के बाद हम आते हैं अपने कंटोरिंग पे। कंटोरिंग भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। कंटोरिंग की ब्लेंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम नोज़ कंटोर करते हैं। नोज़ कंटोर करने के बाद हम आते हैं अपने ब्लश ऑन पे। ये हमने ब्लश ऑन लगाया है जी। हमने ब्लश ऑन लगाया है जी। ब्लश ऑन भी हमने लाइट ही रखा है। ब्लशर हमने अच्छे से लगाना है। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी। उसके बाद आते हैं जी हम अपनी आईब्रो पे। किसी स्पूलिंग ब्रश के साथ हमने पहले अपनी आईब्रो को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमने इसको लाइट ब्राउन कलर के साथ कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो आईब्रो कंप्लीट होने के बाद हमारा आई मेकअप डन है। हमने वाइट काजल के साथ अपने आई मेकअप को डन किया है। उसके बाद जी लिप शेड लगाई है। लिप शेड लगाने के बाद ये रहा हमारा ब्राइडल का फाइनल लुक। और ये हम फाइनल टचअप दे रहे हैं विद हाइलाइटर। हमने हाइलाइटर अच्छे से लगाना है। ये हमारी ब्राइडल की भी रिक्वायरमेंट थी तो हाइलाइटर भी हमने अच्छे से लगाया है। उसके बाद हमने लिप ग्लॉस लगाया है। और ये रहा जी हमारी ब्राइडल का फाइनल लुक। तो कैसा कैसा लगा आप सबको, सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।